और लास्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। पहली एप्लीकेशन है रेलवे लाइंस जो बिछती हैं उनके बीच में गैप छोड़ा जाता है हल्का सा, क्यों? क्योंकि गर्मियों के अंदर वो गैप भर जाता है, सर्दी में ऊपर हो जाता है। तो अगर टाइट रखेंगे, गर्मी आ गई तो जगह होगी नहीं एक्सपेंशन की, पटरी टेढ़ी हो जाएगी, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, तो गैप छोड़ा जाता है। दूसरा, आयरन रिंग को अगर किसी रिम पे डालना है, पहले गर्म करना है, एक्सपैंड होगा, फिर ठंडा होकर अपने आप टाइट हो जाएगा, लास्ट टाइम किया था ऐसा हमने। और सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, क्लॉक पेंडुलम्स आर मेड अप ऑफ इनवर, पूछा जाता है जो पेंडुलम क्लॉक्स हैं जो वैसे घूमते हैं उनका जो मटीरियल है उस मटीरियल का नाम इनवर है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जो पेंडुलम मूव करते हैं उनका टाइम पीरियड निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब अगर पेंडुलम का टाइम पीरियड इस फॉर्मूले से चलेगा, सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है ये, हमने काफ़ी बार डिस्कस किया ये, गर्मियों के अंदर लेंथ जाएगी बढ़, टाइम बढ़ जाएगा घूमने का, सर्दी में क्या हो जाएगा, टाइम लेंथ कम हो जाएगी, टाइम कम हो जाएगा, घड़ी सही टाइम कब देगी, गर्मी सर्दी देखी जाएंगे बैठ के, तो गर्मियों में गलत टाइम, सर्दियों में गलत टाइम, नॉर्मल डेज में ठीक टाइम, तो ऐसी घड़ी का कोई फायदा नहीं है। तो आप मटेरियल ऐसा यूज करें जिसकी लंबाई ना सर्दी में ज्यादा छोटी हो ना गर्मी में ज्यादा बड़ी हो, तो वो मटेरियल खास है जिसका नाम है इनवर। इनवर का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, करो लीनियर एक्सपेंशन, गलती से रेजिस्टेंस लिख दिया, लीनियर एक्सपेंशन इसका कम होता है, एल्फा जिसका कम है वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही कम करेगा, इसलिए इनवर का एल्फा कम है तो वो एक्सपैंड भी नहीं करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करता जल्दी जल्दी टेम्परेचर के साथ, तो इनवर यूज करते हैं। और लास्ट एप्लीकेशन है ग्लास टॉपर, जैम की बॉटल, ठंड पड़ रही है, धुंध पड़ रही है, खुल नहीं रही, तो घर वाले क्या करते हैं उसको उबलते हुए पानी में डाल देंगे गैस के ऊपर और उसको उबालेंगे, ढक्कन खुल जाएगा क्योंकि एक्सपेंशन है, वो इसलिए खुल नहीं पा रही सर्दियों में क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, गर्मी देने से वो जैम जो है खुल जाएगा, उसको खोला जा सकता है।